हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में आ गई है सामान्य और संस्कृत के पदों पर वैकेंसियां। देखिए, यहां पर वेबसाइट खुली हुई है rajasthansanskrit.nic.in। दो प्रकार की वैकेंसियां आई हुई हैं यहां पर, TSP और नॉन TSP। दो प्रकार की वैकेंसियों की यहां पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि यहां पर देखिए, अध्यापक लेवल 1 से 5 तक का संस्कृत विषय के लिए और सामान्य विषय के लिए दो प्रकार की सीधी भर्ती 2022 की निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। फॉर्म आपको SSO पोर्टल के थ्रू फिलअप करना है। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। 1 तारीख से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी है, TSP क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और नॉन TSP क्षेत्र यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र। तो कुल मिला करके देखिए, संस्कृत अध्यापक की 40 और अध्यापक सामान्य की 23 और TSP क्षेत्र में 101 और 108। तो कुल मिला करके यहाँ पर 350 वैकेंसी से भी ज़्यादा है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए TSP और नॉन TSP दो प्रकार के एडवर्टीजमेंट है। दोनों ही आप अगर यहाँ से खोलना चाहते हैं खोल लेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपको क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मोटा मोटा कि आपको क्या चाहिए होगा। 45% मार्क्स के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी किया है, साथ ही में आपने कोई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परीक्षा पास की हो, जैसे DLED, BTC और BEd, इस तरीके का आपने कहीं से भी पास किया हो तो इसको में आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने ग्रेजुएशन किया है और द्विवर्षीय डिप्लोमा इसी का है, BTC, DLED या BT या BEd, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसी वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे, rajasthansanskrit.nic.in, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट टीचर लेवल 1 के टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर टीचर लेवल 1 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको OTR के माध्यम से आवेदन करना है। अब OTR के माध्यम से आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड वाली वैकेंसी है टीचर लेवल 1st क्लास, और इसी में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, OTR की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, sso.rajasthan.gov.in। इसका डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OTR का प्रोसेस आपको आई बटन पर आ रहा होगा। आई बटन से OTR का पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी OTR का पूरा प्रोसेस है। तो तुरंत उस लिंक पर क्लिक करिए और OTR के बारे में जानकारी लीजिए कि OTR आपको कैसे करना है। OTR करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक कर देना है, आपका ये वैकेंसी अप्लाई हो जाएगी। तो OTR का प्रोसेस ज़रूर देखिए और वीडियो की जानकारी कैसी लगी है इस चीज़ को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।